दोस्तों, इस शो में आपका स्वागत है। अभी अभी आपने सुना होगा कि पृथ्वीराज या सम्राट पृथ्वीराज नाम की फिल्म रिलीज हो रही है और उसकी पृष्ठभूमि में एक विवाद खड़ा हुआ। एक तरफ गुर्जर महासभा ने ये कहा कि भाई इस फिल्म में पृथ्वीराज को गुर्जर के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरी तरफ करणी सेना, जिसने पहले पद्मावत फिल्म के समय अपना ये कुछ खड़ा किया था, करणी सेना ने कहा कि वो तो एक राजपूत थे और उनको एक राजपूत के रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए। अब ये विवाद एक तरफ चल रहा था, उसी के चलते फिल्म के मुख्य नायक अक्षय कुमार ने कई बातें कही। एक तो कोर्ट में वो उनके प्रोड्यूसर और वो ये कोर्ट में उन्होंने बयान दिया कि ये फिल्म कास्ट न्यूट्रल है, यानी वो पृथ्वीराज को न तो चौहान के रूप में न गुर्जर के रूप में बताएगी, एक हिंदू राजा के रूप में बताएगी। तो इसलिए उसके अगर आप शीर्षक देखें तो पहले इसका शीर्षक था पृथ्वीराज, अभी उसमें ऐड कर दिया गया है सम्राट पृथ्वीराज। तो इसमें गुर्जर भी खुश और करणी सेना भी उसमें चुप है। अब सवाल ये उठता है कि इस फिल्म के बहाने अक्षय कुमार ने जो भी आक्षेप उठाए हैं और अभी की जो सत्ताधारी सरकार है वो जिस प्रकार से इस फिल्म के प्रमोशन में लगी है, उनके लिए स्पेशल शो हो रहे हैं, फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है और इसी के साथ चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जो शायद फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने पहले चाणक्य फिल्म में भूमिका निभाई थी, वो एक तरफ और अक्षय कुमार, ये दोनों ने कई इंटरव्यू दिए और उन्होंने पहली बात कही कि भाई ये कास्ट न्यूट्रल फिल्म है। दूसरा कि ये हमारे जो इतिहास लेखन में पृथ्वीराज चौहान जैसे राजाओं का जिक्र केवल 2-3 लाइन में आता है, जबकि मुगलों का जिक्र लंबे तौर से गौरवीकरण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो पहले मैं इस बात पे आना चाहूँगा कि ये उनका जो दावा है वो पूरी तौर से गलत है। 1980 की इतिहास की अगर आप किताबों में देखें तो उस समय भी पृथ्वीराज चौहान के बारे में मैं तो स्कूल में भी पढ़ा था, चंद भरदाई की किताब के आधार पे जो अध्याय लिखे गए थे हमने स्कूल में भी पढ़े थे, और अभी की जो NCERT की किताबें चल रही हैं उसमें 7वीं कक्षा का 18 अध्याय पूरी तौर से पृथ्वीराज चौहान पर समर्पित है, पूरे विस्तार में उनके राज्य के बारे में बताता है। तीसरा अगर हम देखें तो बाकी जो इनकी शिकायत है कि केवल मुगल राजाओं के बारे में कहा जाता है, ये वामपंथी इतिहासकारों ने लिखा, ये गलत लिखा, इससे गलत बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी इतिहास की किताबें हैं उसमें चोला साम्राज्य, चालुक्य और दूसरे हिंदू राजा जिन्होंने राज्य किया उसके बारे में विस्तार में वर्णन है। 1998 में पहली बार NDA सरकार आई, उसके पहले जो किताबें प्रचलित थी, अभी मैं सभी किताबों की बात तो नहीं कर सकता क्योंकि हमारे अलग अलग स्टेट बोर्ड हैं, NCERT है, तो हम NCERT को एक मानदंड मानकर चलेंगे। तो NCERT की किताबों में मुगल जैसे मुगल पे उनके 700 साल के शासन, 500 साल के शासन में अगर 6-7 अध्याय हैं, तो हिंदू राजाओं में भी शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, चोला साम्राज्य और दूसरे हिंदू राजाओं के बारे में भी विस्तार में है। तो ये इनकी शिकायत क्यों है? इनकी शिकायत इसलिए है कि ये एक नए प्रकार का इतिहास खड़ा करना चाहते हैं। अभी तक जो इतिहास ज़्यादातर प्रचलित था, किताबों में लाया गया, उसको मैं कह सकता हूँ एक राष्ट्रवादी इतिहास था, भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास था, जिसमें महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बताया कि यहाँ अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं, भाषाएं, अलग अलग धर्म के राज्यों राजाओं ने राज्य किया और यहाँ की जनता आपस मेलजोल में रही, राजाओं के बीच में भी जो संघर्ष थे उसका आधार सत्ता था। ये एक प्रचलित इतिहास है और उसमें भी जो जिनको ये वामपंथी इतिहासकार कह के बदनाम करना चाहते हैं, उन्होंने केवल राजाओं के वर्णन के साथ ही साथ जो वहाँ का व्यापार, संस्कृति,
दूसरे देशों से संबंध, स्त्रियों की हालत, व्यापार की परिस्थिति, इसके बारे में बहुत विस्तार से उन किताबों में जो मैंने देखी वो उसमें देखने को मिला। और अभी आज की किताबें भी देखिए तो ये अभी हमारे महाराष्ट्र की किताबों में तो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक क्लास में तो पूरी किताब है, दूसरी कक्षाओं में भी उनके बारे में विस्तार में दिया है। और मेरा पूरा विश्वास है कि राजस्थान की किताबों में पृथ्वीराज चौहान के बारे में विस्तार से दिया होगा। जो भी दूसरे हिंदू राजा हुए हैं, खास तौर से राणा प्रताप, इनके बारे में भी काफ़ी विस्तार से है। तो ये इनकी शिकायत इसलिए है कि अभी तक ज़्यादा एक इतिहास को जो बताने का तरीका था वो धर्म के आधार पे नहीं था। इन्हें बताना है कि भारत का इतिहास हिंदू और मुसलमान राजाओं के की लड़ाई का इतिहास है, उसके आधार पे ये अपनी समझ को समाज में व्यापक करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से एक तौर से गलत है। इसके कई उदाहरण हमने देखे हैं और उसको चलने के पहले हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही देख लेते हैं। 1177-76 उसके आसपास वो सत्ता में आए और उनका जो चौहान वंश था वो प्रतिहार राजाओं को अपदस्त करके, बाईपास करके अजमेर में सत्ता पर आया। अजमेर में सत्ता पर आया तो पहली बात ये ख्याल कीजिए कि सभी हिंदू राजा एक थे, ये कहना गलत है। अलग अलग हिंदू राजा थे। अब उसमें एक तो गुर्जर और राजपूत का की बात आ गई। और पृथ्वीराज चौहान की खासियत ये थी कि वो उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सबसे पहले उन्होंने पड़ोस के राजपूत राजाओं को हराया। तो लड़ाई का आधार कोई धर्म है नहीं। और दूसरी बात देखिए कि पृथ्वीराज ने जो आक्रमण किया गुजरात पे, उस समय वहाँ चालुक्य राजा थे। चालुक्य राजा से जो लड़ाई हुई बहुत भयंकर हुई, उसमें दोनों तरफ से काफ़ी नुकसान हुआ, पर पृथ्वीराज चालुक्य राजाओं को नहीं हरा पाए। बाद में उन्होंने अपना ज़्यादा जोर उत्तर भारत की तरफ दिया, गंगा नदी के किनारे दिया। तो पहली बात ये कहना कि ये पूरे भारत के हिंदू सम्राट थे, ये गलत है। इस बात को किसने लाया? इस बात को जो लाया गया वो पहले तो देखें कि जेम्स मिल ने 1817 में जो किताब लोकप्रिय बनाई हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने भारत के इतिहास को प्राचीन हिंदू युग, मध्यकालीन मुस्लिम युग और आधुनिक ब्रिटिश युग के आधार पे इतिहास का उन्होंने विभाजन किया, जो अपने आप में गलत है। और उसको चलते मेरे ख्याल से 2016 में सिंथिया टेलबॉट की एक किताब आई है राणा प्रताप पे, जिसमें उन्होंने उनको कहा है लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से एक दूसरे ब्रिटिश इतिहासकार ने भी इस बात को रखने की कोशिश की कि 1827 में उनकी किताब आई, उन्होंने भी राणा प्रताप को एक हिंदू राजा के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो पहली बात तो ये, उनकी मुख्य लड़ाइयाँ हिंदू राजाओं के खिलाफ ही हुई। दूसरी बात, पूरे भारत पर उनका राज्य नहीं था। गुजरात के चालुक्य से तो खैर उनकी लड़ाई थोड़ी इसमें चली, बाद में वो उससे पीछे हट गए और ये हुआ। अब जहाँ तक सवाल है कि इनका मोहम्मद घोरी से जो लड़ाई हुई, उसी के आधार पे चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा 3 शताब्दियों बाद। पृथ्वीराज और मोहम्मद घोरी की लड़ाई हुई 12वीं शताब्दी में और ये पृथ्वीराज रासो लिखा गया 16वीं शताब्दी में। इसमें कल्पना का बड़ा अंश है, पोएटिक लिबर्टी ली गई है और पृथ्वीराज संयोगिता के रोमांस को बताया गया है। और पृथ्वीराज के जो दूसरी चीज़ें हैं संयोगिता के साथ साथ, उनकी जो मोहम्मद घोरी के साथ जो लड़ाई थी उसको एक रंग देने की कोशिश की गई पृथ्वीराज की बहादुरी की, क्योंकि पहली तराई की पहली लड़ाई जो 1191 में हुई उसमें पृथ्वीराज जीत गए थे, महमूद घोरी हार गया था। फिर 1192 में फिर से लड़ाई हुई, उस लड़ाई में पृथ्वीराज हार गए
और जो वास्तविक इतिहास हमको बताता है उस समय की पृथ्वीराज विजय नाम की एक संस्कृत किताब आई थी 12वीं शताब्दी में, और एक किताब पर्शियन में आई थी ताजुल मसीर, ये 13वीं शताब्दी के शुरुआत में आई। दोनों के हिसाब से और बाकी ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि पृथ्वीराज को कैदी कर लिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। पर इसको एक कवितामय ट्विस्ट देने के लिए जो पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई ने कहा कि भाई वो उनको अंधा कर दिया गया और उनको अपना तीर का कौशल बताने के लिए कहा गया, तो तीर के कौशल चलाते समय उन्होंने पृथ्वीराज घोरी पर तीर चला दिया। अब ये कल्पना की बात है, इसमें कितनी सच्चाई है इसका इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलता। तो सवाल ये उठता है कि इसी बहाने फिर से उस विवाद को तेज किया जा रहा है कि यहाँ का जो इतिहास है उसमें केवल मुगलों को महान बताया गया है। वास्तविक तौर से देखा जाए तो ये एक नया राष्ट्रवाद जो समाज पे थोपा जा रहा है, वो राष्ट्रवाद चीज़ों को हिंदू बनाम मुस्लिम के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। और जबकि यहाँ के जो राष्ट्रवाद का इतिहास है, जो गांधी ने हिंद स्वराज में बताया, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बताया, उसमें उन्होंने यहाँ सभी लोगों को इंक्लूसिव हिस्ट्री, सबको मिलाकर चलने वाली हिस्ट्री के आधार पे गंगा जमनी तहजीब की बात की, लोगों के मेलजोल की बात की, अलग राजा आए बसते गए, उस समय देश की कल्पना भी इस प्रकार से नहीं थी, वीसा पासपोर्ट का सिस्टम नहीं था, आर्य लोग मध्य एशिया से आ रहे हैं वो भी यहाँ के हो गए, कुछ मुग़ल राजाओं ने मुग़ल के पहले मुस्लिम राजा जैसे घोरी कोई मुग़ल वंश का नहीं था, उसने पृथ्वीराज को 1192 में हरा के यहाँ राज्य स्थापित किया, बाद में उसका विस्तार किया। तो ये राजाओं की लड़ाई का आधार सत्ता और संपत्ति होता था, इसको धर्म से जोड़ने की कोशिश फिर से की जा रही है। और पृथ्वीराज जो सम्राट पृथ्वीराज फिल्म के माध्यम से भी इसी बात को फिर से दोहराने की कोशिश की जा रही है। आज की जो सत्ता पे सरकार है वो इसको प्रमोट करने की पूरी कोशिश कर रही है, यूपी में इसको टैक्स फ्री किया जा रहा है। निश्चित रूप से फिल्में बनना चाहिए, पर फिल्म में जो दृष्टिकोण है वो भारतीय राष्ट्रवाद का होना चाहिए। और जो गलत आधार है कि वो एक महान हिंदू राजा थे, एक खराब मुसलमान राजा ने उनको हराया और ये हिंदू मुसलमान का संघर्ष है, ये पूरी तौर से गलत है। 1192 में तराई में, जो आजकल का हरियाणा के क्षेत्र के पास का है, वहाँ की लड़ाई में महमूद घोरी के साथ हिंदू राजा भी थे। पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ के कई राजाओं को साथ में लिया, पर सभी हिंदू राजा उनके साथ सहमत नहीं थे, तो वो महमूद घोरी के साथ थे। यानी लड़ाई का आधार हिंदू मुसलमान नहीं था। तो आज की राजनीति इसको सामने रखने की कोशिश करती है, और पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज इस फिल्म के माध्यम से उसी बात को और मजबूत करने की कोशिश करती है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि इतिहास को सीखने की ज़रूरत है इस दृष्टिकोण से कि इतिहास में आम लोग कैसे जीते थे, दलितों का क्या हाल था, स्त्रियों पर क्या अत्याचार होते थे, किसानों पर कैसे अत्याचार होते थे। तो इसलिए राजाशाही का गुणगान करने के बदले कुछ जो अच्छे राजा हुए हैं उनकी अच्छी नीतियों के आधार पे हम सीख सकते हैं, पर मुख्य रूप से इतिहास में हमारा दृष्टिकोण एक भारतीय राष्ट्रवाद का होना चाहिए। और जैसे डॉक्टर आम्बेडकर ने बाद में कहा कि यहाँ का इतिहास मुख्य रूप से एक तरफ से बुद्ध धर्म के सिद्धांत और दूसरी तरफ से ब्राह्मणवाद के मूल्यों के संघर्ष का इतिहास है, वो भी हमारी समझ में आना चाहिए। और आज की किताबों में किस प्रकार से परिवर्तन हो जिससे हमारे देश की एकता मजबूत हो, जिससे अंबेडकर के सिद्धांत, गांधी और नेहरू के इतिहास की समझ समाज में मजबूत हो, वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इसमें एक तरफ से गुर्जर वर्सेस राजपूत, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इस बात को भूलकर राजाशाही के मुख्य गुणों को सीखना हमारी ज़रूरत होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इससे कुछ बातें आपके लिए स्पष्ट होंगी और आप इस आधार पे समाज में आगे एक हमारे इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे और समाज की एकता मजबूती, देश की मजबूती के लिए आगे चलेंगे, यही मेरी उम्मीद है। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो इसको ज़रूर लाइक करके आगे फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।